हेलो फ्रेंड्स ए वेलकम टू आवर चैनल तो ये है हमारा थर्टी का वीडियो पार्ट फोर और इस वीडियो में हम बात करने हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करना है इसके पिछले वीडियो में बात की थी कि अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करना है और अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइन करना है तो वो दो चीज़ हमने उस पहले वीडियो में बात की थी अगर आपने और मीन के बारे में उसके पहले वीडियो में बात की थी तो आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं पिछले तीनों पार्ट्स तो मेरे कमेंट करूँगा पहले तीनों पार्ट्स देखे हैं तो ये आपको और बेनिफिट करेगा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो ये हमारा मोड ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड करने का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपऑन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इन टू आई तो ये है हमारा देख लेते हैं कि एल क्या है एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास है हमारा एफ टू तो एफ वन एफ जीरो एफ टू एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी एफ जीरो एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रसिडिंग मॉडल क्लास ऑफ एफ टू ए फ्रीक्वेंसी द क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लास और आई है हमारा इंटरवल वो तो क्लास जो है हम उसका इंटरवल का लेंथ क्या है इसका साइज़ क्या है ओके सो एग्जाम्पल्स हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपने यहाँ पर भी, भी देख रहा है अपने पिछले वीडियो में बात करी कि सारे में मिडिन क्लास रिपीट हो रहा है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियल क्लास फ्रीक्वेंस ऑफ द मिडियन क्लास इसमें सारा मोड क्लास रिपीट हो रहा है तो अपने जो भी सम आएगा इलस्ट्रेशन आएगा उसके पहले सब जो डेटा आएगा उसमें हम सबको सबसे सब पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा तो ये हमार्पल द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द सेल्स ऑफ हंड्रेड कंपनीज़ हंड्रेड कंपनीज का सेल्स दिया हुआ है बिलो सिक्सटी का ट्वेल्व सिक्सटिक्स टू टू लैक्स इज एटीन कंपनीज़ है पहले सारा डेटा दिया हुआ है तो मॉडल क्लास कैसा फाइंड करना है मॉडल क्लास मतलब जिस जिस भी आप, आप जो डेटा देख रहे हैं आपको जहाँ भी भी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखे फ्रीक्वेंसी के टेबल में चार्ट में देखना है और कौन से क्लास के बाजू में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको मिल रही है यहाँ पर ये जो हमारा इस डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से डेटा के कौन से क्लास के बीच में आ रहे है वो है सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास बहुत ईजी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखना है सिंस द मैक्म फ्रिक्वेंसी थर्टी इन द क्लास सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स द एफ फो सिक्स इज द मॉडल सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स लैक्स ये वाला है हमारा मॉडल क्लास मॉडल क्लास मिल गया मैं लो लिमिट ऑफ मॉडल क्लास सिक्सटी फोर एफ वन इज थर्टी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ जीरो इज फ्रीक्वेंसी प्रिडिंग द मॉडल क्लास तो वो है हमारा ट्वेंटी फाइव एफ वन ऊपर उसके ऊपर एफ जीरो नीचे एफ टू तो एफ जीरो हमारा ट्वेंटी फाइव एफ टू हमारा मॉडल क्लास वो है टेन और आई हमारा इंटरवोल की लेंथ वो साइज वो है टू ओके तो लेट्स फाइंड मीड मोड जेड एल इज 64. फोर एफ वो माइनस एफ जीरो माइनस थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी थर्टी इज सिक्सटी एफ जीरो इज ट्वेंटी फाइव एफ टू इज़ टेन इंटू टू तो सिक्सटी फोर प्लस फाइव अपॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टू टेन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस पॉइंट फोर टू सिक्सटी फोर पॉइंट फोर तो ये हमारा होगा कैसे फाइन करने कैलकुलेशन ऑफ द मोड ऑफ ग्रुप डेटा बहुत ईजी है मॉडल क्लास फाइन करो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को देख के सारा डेटा लिख लो एल एफ जीरो एफ वन एफ टू और आई और आसानी से आप सॉल्यूशन पा सकते हैं अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा मेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ मोड के बारे में बात करते हैं उसके मेरिट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज से उसको भी फ़र्क पड़ता नहीं अब कब होता है कि मीन को एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है मीडियम को भी नहीं होता इसको भी नहीं होता मोड कब यूज़ होता है कि जब आपको कस्टमर के प्रेफरेंसेस देखने हो कस्टमर प्रेफरेंसेस कि उसको क्या पसंद है ये पसंद है वो पसंद है कुछ भी कंपेरिजन प्रिफ्रेंसेज देखने हो आप आ, तो उसके लिए हम मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमिन जो क्वालिटेटिव फिन को क्वालिटेटिव फिनोमिन को डिस्क्राइब करें फिनोमिन तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं मोड आ, इसका लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ये बहुत ही रिजिड है मोड के लिमिटेशन जो है उसमें क्या आता है कि बहुत ही रिजिड मेजर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें क्यों प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे फार्मूलाज इसके लॉट ऑफ फार्मूलाज सेवरल फार्मूलाज और सारे फार्मूलाज में आपको आंसर अलग अलग मिलेंगे और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि हम जो भी मोड फाइन करेंगे जो भी डेटा के लिए वो यूनी मॉडल होगा यूनी मॉडल का मीनिंग क्या है कि उसमें एक ही मॉडल होगा ऐसा ग्राफ हो ना ऐसा एक ही पीक मिलेगा आपको आपको बताया था कि मैं मोड की इंट्रोडक्शन के जो पीक होता है वो हमारा मोड होता है और कोई डेटा ऐसा हो जैसे समझ ऐसा डॉटा है कि जिसमें दो पीक रहे हैं मतलब वो बाय मॉडल हो गया तो बाय मॉडल हो गया या मल्टी मॉडल हो गया उस उस कंडीशन में ये हमारे मोड काम नहीं लगता उसके लिए एक और फॉर्मूला है आपको पता ही होगा बहुत फेमस फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो ये हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉमूला है जब भी मॉडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो माई बाई मॉडल या मल्टी मॉडल होगा तो उस उस कंडीशन में हम ये वाला ऊपर का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे उसके बदले ये क्या फॉर्म करेंगे मोड इज थ्री मीडियम माइनस टू मीन मतलब हम मीडियन फाइंड करके मोड मीन फाइंड करेंगे उस डेटा के लिए उसके बाद हम मोड फाइंड करेंगे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच